नमस्कार, आपका स्वागत है सरकारी जॉब न्यूज़ में। रेलवे की आरपीएफ रिक्रूटमेंट को लेकर नया अपडेट है। 18 मार्च 2018 को रेल मंत्री पीयूष गोयल ने लखनऊ की एक सभा में ऐलान किया है। उन्होंने कहा कि अगले 3-4 दिनों में, मतलब संभवतः 24 मार्च तक, आरपीएफ की 9,500 वैकेंसी का नोटिफिकेशन जारी हो जाएगा। इसमें आधी सीटें महिलाओं के लिए रिजर्व होंगी। देखिए इस बारे में रेल मंत्री का ऐलान। थोड़े ही 2-4 दिनों में हम इसका भी सूचना बाहर निकालेंगे, तो आज लखनऊ की पावन धरती पे ही बता दो, आरपीएफ में, रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स में अलग लगभग 9,500 लोगों की भर्ती का काम भी जल्द ही शुरू होने वाला है, कि उसमें 50% सिर्फ महिलाओं के लिए आरक्षित रहेगी, जो आरपीएफ में हम लगभग 10,000 नौकरी खोलेंगे। इसके साथ साथ पीयूष गोयल ने रेलवे ग्रुप डी असिस्टेंट लोको पायलट और टेक्नीशियन की करीब 90,000 पदों की भर्ती को बिना गड़बड़ी करवाने की प्रतिबद्धता जताई है। देखिए। अभी अभी आप सब जानते हैं, हमने रेलवे में नई भर्ती का भी काम शुरू किया। लगभग 90,000 लोगों को एक साथ भर्ती करने का काम रेलवे में शायद ही पहले कभी हुआ होगा। और पूरी पारदर्शिता से कोई भी व्यक्ति इसमें जरा भी कोई दखल अंदाज ना दे सके, ऐसा एक पारदर्शिता के साथ बनाया हुआ पूरा रिक्रूटमेंट का सिस्टम, कंप्यूटर से पूरा सिस्टम चलेगा, पूरी टेस्टिंग होगी और उससे चुने हुए 90,000 लोग देश भर से रेलवे में नई नौकरी में लगेंगे। साथ ही साथ इसके अलावा आरपीएफ में, रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स में अलग लगभग 9,500 लोगों की भर्ती का काम भी जल्द ही शुरू होने वाला है, यानी 1,00,000 लोगों को नौकरी रेलवे एक साथ देगी। तो इंतजार कीजिए, जल्द ही रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स यानी आरपीएफ की वैकेंसी आने ही वाली है। इसी के साथ इस वीडियो पर एक लाइक तो बनता है। यह वीडियो 19 मार्च को तैयार किया गया है। जैसे ही आरपीएफ भर्ती का नोटिफिकेशन जारी होगा, उसका पूरा ब्यौरा यूट्यूब चैनल सरकारी जॉब न्यूज़ पर आपको मिलेगा। अगर आप यह वीडियो 24 मार्च के बाद देख रहे हैं तो नया वीडियो चेक कर लें। कोई भी कन्फ्यूजन हो एग्ज़ाम को रिलेटेड तो कमेंट करें, आपको जवाब मिलेगा। इस चैनल की यही स्पेशलिटी है कि हम हर क्वेश्चन का आंसर देते हैं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।